महबूबा मुफ्ती के पीछे पड़ी बीजेपी, जलाभिषेक करने से हो रही दिक्कत, पीडीपी पर हिंदू विरोधी का लगाती थी आरोप, शिवलिंग पर कर रही सियासत। बीजेपी को महबूबा मुफ्ती के जलाभिषेक करने पर क्यों लग रही मिर्ची? जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती फिर सुर्खियों में है। गुरुवार को महबूबा मुफ्ती ने पुंछ जिले के एक मंदिर पर शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। वीडियो सामने आने के बाद इस पर बयानबाजी हो रही है। बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने इस पर कहा, मैं भी मंदिर से जल चढ़ाकर आ रहा हूँ। खबर उन लोगों की बनती है क्योंकि वे कुछ अलग सा कर रहे हैं। स्वाभाविक बात है कि जब समय इस प्रकार का आता है या इलेक्शन वगैरह सामने आते हैं तो वो इस प्रकार की बातें करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने आगे कहा, अगर सच में वो इस प्रकार से कर रहे हैं तो भगवान उनको सद्बुद्धि दे और वे देश के हित में काम करें, जम्मू और कश्मीर के हित में काम करें, ना कि पाकिस्तान के समर्थन में जो उनका हमेशा से फेवर रहता है या मिलिटेंट्स का समर्थक बनकर वो करती हैं। मैं भगवान शिव से यही प्रार्थना करूंगा कि उनको सद्बुद्धि दे। वहीं महबूबा मुफ्ती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जलाभिषेक करने पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, इसमें डबल स्टैंडर्ड की क्या बात है, हम एक सेकुलर मुल्क में रहते हैं जहां गंगा जमुना तहजीब है, वहां हमारे यशपाल शर्मा ने एक मंदिर बनाया है, उनके बेटे चाहते थे कि मैं अंदर आकर देखूं, मैंने देखा कि उन्होंने बड़ी मेहनत से मंदिर बनाया है, बेहद सुंदर मंदिर बनाया है, पुंछ वालों ने दिल खोलकर पैसा दिया है और उसके बाद वहां किसी ने बड़ी श्रद्धा से पानी का एक लोटा रख दिया कि आप इस पर डालिए, जब कोई इतनी श्रद्धा से इतने प्यार से आपसे कोई मांग करे तो आप इसका दिल तो नहीं दुखाएंगे, इतने प्यार से आपसे कोई मांग करे तो आप उसका दिल तो नहीं तोड़ेंगे कि नहीं मैं नहीं डालूंगी, उन्होंने कहा तो मैंने डाल दिया। महबूबा मुफ्ती के जलाभिषेक पर आपका क्या कहना है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और द कंटाप को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।